if it is not, and which party will be the toughest party with whom you will for this election upcoming? Okay, खाली और पूछता हूँ मैं. मैंने अपनी तकरीर में भी कहा ये इलेक्शन की तैयारी नहीं. क्या बात कर रहे हो? ना अभी इलेक्शन का ब्यूगल बजा है, ना डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना काम मुकम्मल किया है. उनको अपना काम मुकम्मल करने दीजिए. जब इलेक्शन का ब्यूगल बजेगा तब हम इलेक्शन की बात करेंगे. फिलहाल यहाँ पर जो कि बाकी जगहों में भी जाने का मकसद रहा, तो अपने तमाम वर्करों का मैं कहना चाहता था हुए और ये भी देखने के लिए कि कहाँ पे हमारी कमजोरियां हैं, खामियां हैं, कहाँ पे हमें उनको दुरुस्त करने के लिए कोई इकदाम उठाने. विच पार्टी विल बी द चैलेंजिंग पार्टी इन द अपकमिंग इलेक्शन फॉर यू एंड विल पीएजीडी जॉइंटली फॉर द इलेक्शन अपकमिंग इलेक्शन? लेकिन आप फिर इलेक्शन पे लगे हो. मैंने आपसे कहा ना कि इलेक्शन ह्यूमन तो नहीं है. जब इलेक्शन का ऐलान होता है उस वक्त आप इलेक्शन का सवाल करिए. उसके अलावा कोई सवाल है? रिसेंटली व्हाट अबाउट द किलिंग व्हिच हैव टेकन प्लेस? सॉरी, क्या हर एक दावा करता है? लोग परेशान हम भी हम सब परेशान हैं. जिस तरह मतलब एक और उसके साथ साथ एक नाराजगी भी यहाँ पे भी आते हैं. एक तो लोग अपने आप को महफूज नहीं समझते. सिक्योरिटी का जो निजाम है वो तहस नहस है. उसके साथ साथ सिविल इंतजामिया का भी लोगों के साथ रास्ता जो है वो लगभग ना होने के बराबर है. लोगों के काम नहीं हो रहे, लोगों के मुश्किलात हल नहीं हो रहे और लोगों को तब कोई पहुंचता भी नहीं. लेकिन काश इसका इलाज हमारे हाथ में होता, हम आपको इलाज करके दे देते. फिलहाल नहीं है, जब होगा तब बात करेंगे. कश्मीर बदल रहा है, क्या कहेंगे उमर अब्दुल्ला? नहीं है, 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर बदला, लेकिन उसमें कोई बेहतरी नहीं आई. बदलाव दो तरीके का होता है, एक बेहतरी के लिए और एक खराबी के लिए. 2019 5 अगस्त के बाद यहाँ सिर्फ खराबी आई है, बेहतरी नहीं आई. यहाँ पे सिक्योरिटी के निज़ाम को देखा जाए तो जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, जिन